तो हम चलते हैं आगे. वी ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट स्पेशल काइंड ऑफ अ डायोड व्हिच वाज द ज़ीनर डायोड. ठीक है, अब हमारे पास और कुछ टाइप्स ऑफ स्पेशल डायोड्स है. द सेकंड वन दैट आई एम गोइंग टू टेक अप इज द फोटो डायोड. Now, when you talk about a photodiode, as the word itself suggests, photo, obviously it means light. ठीक है? Now, therefore, this diode has something related to light. ठीक है? Now, when we define this photodiode, it is actually defined as it is an opto electronic device. ठीक है? Opto electronic device. Electronic energy, electrical energy, and optics, that is light energy. There is something going to take place. There is going to be some interconversion of the light energy into the electrical energy. ठीक है? इस type of diode में the minority charge carriers or the current carriers they are being generated with the help of photons of light. यानी कि हमारे पास जो एक photodiode होता है इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बाय मेकिंग सम लाइट ऑफ सम सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द पीएन जंक्शन. और जब लाइट ऑफ सूटेबल एनर्जी सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो जाती है पीएन जंक्शन पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन द इलेक्ट्रॉन द कोवेलेंट बॉन्ड्स गेट ब्रोकन अप एंड जिसकी वजह से द इलेक्ट्रॉन एंड द होल पेयर्स आर क्रिएटेड. ठीक है, अगर आप देखें तो If I talk about a photodiode, what happens actually? It इसमें वही होता है, बराबर वही होता है, PN junction होता है, ठीक है? लेकिन PN junction जो है, it is again used in reverse bias condition. ये important. It is again used in reverse bias condition. The negative terminal and the positive terminal are connected to the P part and the N part respectively. That is, you are using the photodiode in always in reverse condition. ठीक है, रिवर्स कंडीशन में होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है आपका अप्लाइड वोल्टेज जो है ये ब्रेकडाउन के आगे अगर चला गया तो ऑब्वियस सी बात है जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा ब्रेकडाउन होने वाला है. ठीक है, लेकिन अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज रिमेंबर दिस थिंग फोटोडायोड की पहली कंडीशन इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस्ड मोड. ठीक है, रिवर्स बायस्ड मोड यू विल नेवर यूज दिस इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड. ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, व्हेन योर अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज तब क्या होता है, समझना मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. मैंने क्या कहा, मैंने कहा फोटोडायोड जो है इट इज एन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें द करंट कैरियर्स आर बींग जनरेटेड इसमें करंट कैरियर्स आर जनरेटेड By photons of light, ठीक है, ठीक है. अब ये ऐसा डिवाइस है जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज इन द रिवर्स बायस मोड. ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ अ फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर. ऑब्वियसली बात है, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसको लाइट की किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से असर पड़ेगा, जिसको किसी पर्टिकुलर एनर्जी से कोई फर्क पड़ेगा. ठीक है, इसमें होता क्या है, जो पीएन जंक्शन है इस पीएन जंक्शन पे जब आपका अप्लाइड वोल्टेज लेसर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, ब्रेकडाउन आपको समझ आ गया, ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में जब होता है तो उसके बाद करंट अब्रप्टली इंक्रीज होती है. ठीक है कि नहीं, लेकिन हम ये कंडीशन करना चाहते हैं कि फोटोडायोड में हमारा अप्लाइड वोल्टेज इट मस्ट बी लेसर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज. फाइन, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज लेसर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज टू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. नंबर फर्स्ट, जो हमारी लाइट इस पे इंसिडेंट पड़ने वाली है, समझना मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जब लाइट इस पे इंसिडेंट होने वाली है ऑब्वियस सी बात है लाइट का मतलब पैकेट्स ऑफ लाइट एंड पैकेट्स आपको पता है फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन्स के बाद जो एनर्जी होती है दैट इज एच न्यू होती है कि नहीं. हर कोई पैकेट इसके इलेक्ट्रॉन्स या इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने की क्षमता नहीं रखता. जब लाइट इस पीएन जंक्शन पे इंसिडेंट हो जाती है ना तो फोटोडायोड में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उन कोवेलेंट बॉन्ड्स को इस किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए से फॉर एग्जांपल यहां पे एक बॉन्ड इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑब्वियसली यू रिक्वायर सम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पोजेसेस सम क्रिटिकल वैल्यू. ऑल दोज एनर्जीज व्हिच आर मोर देन द क्रिटिकल वैल्यूज आर गोइंग टू ब्रेक द बॉन्ड बट इफ योर अप्लाइड एनर्जी इज लेसर देन द क्रिटिकल एनर्जी द बॉन्ड विल नेवर बी ब्रोकन. देयरफॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो आपके पैकेट के पास लाइट है ना
जो आपके पैकेट के पास लाइट है दैट इज एच न्यू। अब दो चीजें हो सकती है, एक चीज तो ये कि आपका जो एच न्यू इट इज वेरी अनइफेक्टिव, दैट इज इट इज लेसर देन द क्रिटिकल एनर्जी, इट इज लेसर देन द क्रिटिकल एनर्जी, ठीक है। तब क्या होता है, हमने देखा पीएन जंक्शन में जब जब आपने लाइट इंसिडेंट कर दी और लाइट इंसिडेंट करने के बाद आपकी एनर्जी एच न्यू द पैकेट द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पैकेट, इफ दैट पैकेट इज इनइफेक्टिव पैकेट दैट इज इट्स एनर्जी इज लेसर देन द क्रिटिकल एनर्जी, विल सी दैट द रिवर्स करंट्स आर इफेक्टिवली नील, will not be having any reverse currents in case of the PN junction when your applied, when the energy of the packet is lesser than the critical energy. And those packets are the ineffective packets. Catch them? Ineffective packets. And when these packets are incident on the metal, on the semiconductor surface, remember, they are not going to break any covalent bond. And jab covalent bond nahi tootega, hamare paas koi bhi reverse current nahi hogi. And reverse current nahi hone ka matlab, we call these currents as dark currents. Catch pona? We call these currents as dark currents. Fine. So, ye dark currents kab hoti hai? Shabash, dark currents tab hoti hai, jab aapka energy packet क्रिटिकल एनर्जी से कम हो। क्रिटिकल एनर्जी आपको समझ आ गया, क्रिटिकल एनर्जी इज सो एनर्जी यस बॉन्ड फटरान कतर बकार छ, अगर चेन अप्लाइड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी यस बकारस तेम को कम छ, ये बॉन्ड फिट नहीं किए, देयरफॉर आपके पास करंट्स नियरली जीरो होगी, नल होगी, नल होगी, एंड दीस पैकेट्स विल बी कॉल्ड द इनइफेक्टिव पैकेट्स एंड द करंट्स विल बी कॉल्ड एज डार्क करंट्स। फाइन, इज इट क्लियर? बट व्हेन योर पैकेट possesses energy H nu and that energy is more than the critical energy, ये बात important है, ये बात बहुत ज़्यादा important है। जब आपका packet के पास जो energy है that is equal to H nu, if this H nu is more than the critical energy, obvious ही बात है, the bond, the covalent bonds which are existing in the atoms, in the neutral atoms of the PN junction, obviously those atoms, those covalent bonds have the tendency to get broken down. And when these covalent bonds will get broken down, I can say that the packet will be called as an effective packet. क्या बोलेंगे इसको? And effective packet की वजह से obvious सी बात है, जब energy इतनी हो उसके पास, effective तो इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसके पास इतनी energy है कि वो इस bond को तोड़ सके, और जब उसने इस bond को तोड़ दिया होगा क्या? Obvious सी बात है, जब bonds टूट जाते हैं you will get an electron and a hole pair, मिलेगा कि नहीं? आपको इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर मिलेगा। इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर मिलने का मतलब ये है कि पी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे, एन साइड पे होल्स द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन द एन साइड विल गेट इंक्रीज। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब इनका नंबर इंक्रीज होने वाला होगा द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल रिपेल दीज इलेक्ट्रॉन्स, जिसके वजह से दे विल गेट डिफ्यूज from P side to N side, and the positive terminal of the battery will repel these holes, and these holes will get diffused from N side to P side, and therefore what is going to happen? We'll have increasing reverse currents. Shabash, we'll have increasing reverse currents. ठीक है कि नहीं? We'll have increasing reverse currents. Therefore, reverse currents will get increased if and only if you are packet possesses an energy more than the critical energy. If the energy possessed by the packet is less than the critical energy, you'll have dark currents, we'll have nil currents, we'll have no currents. ठीक है कि नहीं? लेकिन इस वाले केस में आपकी रिवर्स करंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो समझ आ गया होगा कि आपका फोटोन इंसिडेंट हो रहा है सेमीकंडक्टर पे, लेकिन सेमीकंडक्टर इट इज ऑब्वियसली मेड अप ऑफ शाबाश अ फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल, एंड दिस मटेरियल पोजेसेस द प्रॉपर्टी दैट व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट, सुटेबल एनर्जी इज इंसिडेंट, तब जाकर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपकी रिवर्स करंट्स बढ़ जाएगी, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर आप ऐसे पैकेट को डाल दें जिसकी एनर्जी क्रिटिकल से कम है, तो आपकी करंट जो होगी, योर पीएन जंक्शन विल बी इन द डार्क जोन, इनमें जो करंट्स होगी विल बी कॉल्ड एज डार्क करंट्स। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब एक दो चीजें बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दो चीजें देखो बच्चा, जो लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है ना, इस लाइट के पास दो प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी इसकी जिसको हम इंटेंसिटी कहते हैं,
और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया है, मैंने आपको उस दिन थर्मल एमिशन के बारे में बात की थी, मैंने आपको उस दिन फील्ड एमिशन के बारे में बात की थी, और फिर मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में बात की थी। अगर आपको याद होगा फील्ड एमिशन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स विल गेट नॉक्ड आउट, थर्मल एमिशन हीट इतनी अप्लाई कर दो कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई वो एक्सपेल हो गया, ठीक है कि नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करो तो लाइट ऐसी पर्टिकुलर एनर्जी जिसको हमने थ्रेशहोल्ड एनर्जी का नाम दिया था, वैसी लाइट इंसिडेंट होगी वो पैकेट्स इफेक्टिव कोलिजंस की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकते हैं और आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे चल के आएगा, ठीक है कि नहीं। और हमने देखा उसी तर्ज पर, उसी एनालॉजी पर ये फोटोडायोड भी काम करता है। इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट कांसेप्ट ऑफ फोटो एमिशन, जिसमें लाइट पार्टिकल के बाद जिसकी उसकी पर्टिकुलर कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी प्रोसेस करने के बाद आपका कोवेलेंट बॉन्ड टूट सकता है और आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब अगर मैं दो चीजें कर दूं, मैं अगर जो इंसिडेंट लाइट है, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, लेकिन आई एम टेकिंग अप द केस कि द एनर्जी पोजेस्ट वाज लेस देन द क्रिटिकल एनर्जी, ठीक है। अब पैकेट का मतलब एक पैकेट के पास कुछ एनर्जी एच न्यू, इफ आई एम इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पैकेट, that packet will get converted from ineffective packet to an effective packet, and effective packet होने के बाद obvious ही बात है आपका covalent bond टूट सकता है, और covalent bond टूटने के बाद electron hole pair create हो सकता है, और electron hole pair create होने के बाद आपकी reverse currents बढ़ जाएगी, ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर आप frequency बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन packets तो आपने increase नहीं किया, आपने packet का number, जितने पैकेट्स उस फोटोडायोड पे इंसिडेंट थे वो कांस्टेंट रखे। यानी कि से फॉर एग्जांपल आपके पास चार पैकेट्स, कितने पैकेट्स थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझ लीजिएगा, आपके पास चार पैकेट्स, ठीक है, उन पैकेट्स के पास से एनर्जी थी 25 जूल्स, ठीक है, और आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपकी क्रिटिकल एनर्जी से 30 जूल्स है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो ना, कीपिंग द इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट, वेन यू आर कीपिंग इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट एंड इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, You are seeing that, शाबाश, चार पैकेट थे, चार ही पैकेट रहेंगे, लेकिन 25 जूल से 30 जूल एनर्जी आपकी आ जाएगी, जिसकी वजह से आप चार कोवेलेंट बॉन्ड्स को फॉर एग्जांपल तोड़ पाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, करंट्स तो इंक्रीज हो गई, हो गई कि नहीं, हमने देखा कि आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए, लेकिन अगर मैं आप 30 जूल के बाद इन्हीं चार पैकेट्स की एनर्जी 50 जूल कर दूं, उससे क्या होने वाला है, क्या करंट्स इंक्रीज होगी, क्या करंट्स इंक्रीज होगी? तो बेटा आप समझ लीजिए उस कॉन्सेप्ट को जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, आपको यह समझ आया होगा कि करंट्स इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि करंट तब इंक्रीज होती जब आपके ज्यादा पैकेट्स इंसिडेंट होते हैं, न कि आपके पैकेट के पास ज्यादा एनर्जी होगी। क्योंकि अभी भी अगर मैं 30 जूल से इन्हीं पैकेट्स की एनर्जी अब 50 जूल कर दूं, ठीक है, चार पैकेट्स फिर भी इंसिडेंट है और वो चार ही कोवेलेंट बॉन्ड्स को फिर भी तोड़ेंगे, ठीक है, और क्योंकि एक पैकेट एक ही कोलिजन करता है, खबर याद छू तो एक ना, तो देयरफॉर यू विल नॉट सी एनी इंक्रीज इन करंट्स व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। अलबत्ता इफ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, ठीक है, तो पहले वाले केस में अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूं, हमारे पास जो पैकेट्स थे उनके पास एनर्जी क्रिटिकल एनर्जी से कम है, जब क्रिटिकल एनर्जी से एनर्जी कम है यानी कि 25 जूल ही है, हमें चाहिए था 30 जूल, अब 25 जूल वाले चार पैकेट से पहले मैंने 10 पैकेट ला दिए, लेकिन क्या वो पैकेट्स इफेक्टिव है? नहीं, क्योंकि एक पैकेट एक कोलिजन करेगा, लेकिन वो कोलिजन ऐसा है कि उस कोलिजन के पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो उस क्रिटिकल उस बॉन्ड को तोड़ सके। देयरफॉर ऑल द पैकेट्स, जितने भी पैकेट्स मैं इन कमजोर, जितने भी कमजोर पैकेट्स में बढ़ाने की कोशिश करूंगा, उनकी वजह से करंट इंक्रीज नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं? यानी कि इन इफेक्टिव पैकेट्स आप बढ़ाने से कोई खास तीर नहीं मान रहे, आपकी रिवर्स करंट इंक्रीज नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करूं इन पैकेट्स की, जो इफेक्टिव पैकेट्स, कौन से पैकेट्स है, इफेक्टिव पैकेट, जो इफेक्टिव पैकेट्स है ऑलरेडी वी नो उनके पास एनर्जी थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है, क्रिटिकल से ज्यादा है, देयरफॉर जब मैं उन पैकेट्स की के नंबर बढ़ाने की कोशिश करूं, से फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले चार पैकेट थे, ठीक है, चार पैकेट थे, ऑब्वियस सी बात है चार इफेक्टिव पैकेट थे, इफेक्टिव आपको समझ आ रहा होगा कि वो बॉन्ड तोड़ने की क्षमता
पोजेस करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने अगर चार से छह कर दिया, पहले तो चार ही बॉन्ड टूट जाते, अब छह के बाद छह बॉन्ड टूटेंगे। अगर मैं इनका नंबर इंक्रीज कर दूं, आठ कर दूं, से फॉर एग्जांपल आठ बॉन्ड टूट जाएंगे। तो देयरफॉर व्हाट आर यू आर सीइंग, यू आर सीइंग दैट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंड जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितने नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाएंगे, सीधी सी बात, आपकी करंट्स इंक्रीज हो जाएगी। सो रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर इंक्रीजिंग, रिमेंबर दिस पॉइंट, इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैकेट्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैकेट्स इज नथिंग बट इट इज द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो एक होता है फ्रीक्वेंसी, हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं की, हमने यहां पर इंक्रीज कर दिया नंबर ऑफ, शाबाश, वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ इफेक्टिव पैकेट्स। इफ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पैकेट्स, या मैं ब्रैकेट में कर दूं, कौन से पैकेट्स, जो इफेक्टिव पैकेट्स है, ठीक है कि नहीं, इफेक्टिव पैकेट्स, और इन अदर वर्ड्स दैट इज यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, ठीक है कि नहीं। रिमेंबर आपकी रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन बच्चा याद रखना, जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज हो तो जाएगी लेकिन एक सैचुरेशन वैल्यू तक, ठीक है। आपने करंट्स, आपने पैकेट्स बढ़ा दी, कौन से पैकेट, जो इफेक्टिव पैकेट्स थे, यानी कि आपने इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव लाइट इंक्रीज कर दी। जब जब आप इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव लाइट इंक्रीज करेंगे तो रिमेंबर दिस थिंग, योर रिवर्स करंट्स विल इंक्रीज, योर रिवर्स करंट्स विल इंक्रीज, लेकिन एक वक्त तक, जब के बाद आप इंटेंसिटी फर्दर इंक्रीज कर दो, आप इंटेंसिटी का वैल्यू कुछ भी कर दो, आपने इंटेंसिटी से चार पैकेट से दस कर दिए, दस से बीस कर दिए, दस से पचास कर दिए, पचास से सौ कर दिए, लेकिन सौ के बाद जब आपने 110 बनाने की कोशिश की, अभी तक तो करंट्स इंक्रीज हो रही थी रिवर्स करंट्स, लेकिन सौ के बाद जब भी आपने पैकेट का वैल्यू इंक्रीज किया, नंबर ऑफ इफेक्टिव पैकेट इंक्रीज किए, उसके बाद हम ये देखेंगे कि फोटोडायोड में जो करंट्स है वो बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एटम्स, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट रहे थे, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स अब सब के सब इस्तेमाल हो चुके हैं, देयरफॉर आप पैकेट्स को इंक्रीज कर दें, लेकिन अब कोई बॉन्ड टूटने के लायक नहीं है, देयरफॉर यू विल हैव रिवर्स सैचुरेशन करंट्स, ठीक है कि नहीं। सो रिमेंबर, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैकेट्स व्हिच आर इफेक्टिव पैकेट्स, दैट इज इंक्रीज इन द इंटेंसिटी, विल इंक्रीज द रिवर्स करंट्स, ठीक है, अप टू लिमिट। और जब वो लिमिट आ जाएगी, जो आपकी करंट उस वक्त होगी, तब तक तो इंक्रीज हो रही है रिवर्स करंट, रिवर्स करंट तब तक इंक्रीज हो रही है, ग्राफ अगर देखोगे तो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, बढ़ रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपका करंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, दिस विल बी द रिवर्स सैचुरेशन करंट। समझ गए कि नहीं। सो देयरफॉर इंक्रीज इन द, इफ यू वांट टू इंक्रीज द रिवर्स करंट्स इन केस ऑफ फोटोडायोड, रिमेंबर यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इफेक्टिव पैकेट्स ऑफ लाइट, ठीक है कि नहीं। एंड बट That increase will be only up to certain limit. उस limit के बाद अगर आप further increase करना चाहेंगे तो बच्चा आपकी current saturate हो गई होगी, current increase नहीं होगी। So this was the concept of the photodiode. Clear? चलिए अब अगला जो हमारे पास है, that is the light emitting diode. तो चलिए जो हमारा अगला स्पेशल काइंड ऑफ डायोड है, द थर्ड काइंड ऑफ स्पेशल डायोड, इट इज द लाइट एमिटिंग डायोड, और सिंपली यू कॉल दिस एज एन एलईडी, ठीक है। आपके घर पे एलईडी स्क्रीन्स होते हैं, एलईडी लाइट्स होती है, ठीक है। अब लाइट एमिटिंग डायोड, ऑब्वियसली लाइट एमिटिंग, इट हैज अ टेंडेंसी टू एमिट लाइट, ठीक है। अब ये लाइट एमिट कहां से होती है वो आप समझ लीजिए। दरअसल लाइट एमिटिंग डायोड की बात अगर करें, इट इज अगेन वन ऑफ द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, अगेन एन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें याद रखेंगे आप, जो हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में इस्तेमाल होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें इस्तेमाल होता है, फॉरवर्ड बायस्ड मोड में। जब भी आप एक डायोड को इस्तेमाल करेंगे एज अ लाइट एमिटिंग डायोड, रिमेंबर यू हैव टू यूज इट इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन, ठीक है कि नहीं, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। एंड रिमेंबर इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पिछले वाले केस में लाइट आ रही थी और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज कर रही, यानी कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटोडायोड की बात की। लेकिन अब हम देखेंगे कि आप एलईडी में देखेंगे, दरअसल यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल होगी into be, so that it will be converted into light energy, ठीक है कि नहीं। दरअसल होता क्या है,
एलईडी में देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. पिछले वाले कंसेप्ट में फोटो डायोड में हमने देखा लाइट जब पड़ रही थी कोवलेंट बॉन्ड्स टूट रहे थे, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो रहे थे. लेकिन इस वाले किस्से में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो पिछले वाले केस में क्रिएट हो गए वो वापस रिकम्बाइन हो जाएंगे. देयरफॉर आई कैन से दैट एलईडी जो है, इट इज एक्चुअली एन एंटीगोनिस्टिक डिवाइस टू फोटोडायोड. कह सकता हूं कि नहीं? उसमें लाइट इस्तेमाल हो रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही थी. इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल होगी, किसमें? लाइट में. उसमें होल और इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे, इसमें होल और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होकर वापस वो कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करेंगे एंड देयरफॉर लाइट एमिट हो जाएगी. दरअसल होता क्या है, अब मैं सर्किट डायग्राम अगर दिखा दूं तो हमारे पास एक फोटोडायोड है. फॉर एग्जांपल दिस इज द फोटोडायोड, ठीक है, पी एन जंक्शन अगेन, बट रिमेंबर इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, देयरफॉर दिस विल बी पी टाइप एंड दिस विल बी द एन टाइप. इसके पास एक प्रॉपर्टी ये है कि इट विल एमिट लाइट, ठीक है. व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन? नाउ पीएन जंक्शन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है दैट इसमें वी हैव गॉट द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड. पढ़ा होगा हमने वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और हमने पढ़ा था कि जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाता है तो वैलेंस बैंड में दरअसल एक वैकेंसी क्रिएट होती है जिसको हमने होल कहा था कि नहीं, और कंडक्शन बैंड में अब इलेक्ट्रॉन आ गया. अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी चलेगा और इस होल की ड्रिफ्ट भी हो जाएगी. और हमने फिर कहा था नेट करंट इज ड्यू टू द नेट करंट इट इज ड्यू टू द करंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड द करंट ड्यू टू द होल्स ऑफ द वैलेंस बैंड. पढ़ा है हमने. दरअसल जब हम एक फोटोडायोड को इस्तेमाल करते हैं इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन, व्हाट हैपेंस इज this electron, now this gap, remember this was the forbidden zone and the energy gap Eg was nearly equal to kT. Remember, in case of photodiode what happens, this electron which is already present in the conduction band, this comes back to the ground state. ये valence band में वापस आ जाता है, और जब ये valence band में वापस आ जाएगा, obviously बात, valence band में क्या present है? Hole. और होल के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन वापस कंबाइन हो जाएगा तो obviously बात, the process of recombination will take place. And the recombination of takes process will take place only if and only if this electron has a tendency to lose this energy equal to kT. When this electron which is present gives out this energy Eg which is of the order of kT, obviously baat hai, it will get de-excited. De-excite hone ki wajah se ye wapas is valence band mein aa jayega aur wahan pe jo hole present hai us hole ke sath combine ho jayega and जो ये एनर्जी है कुछ सेमीकंडक्टर्स में, ये एनर्जी जो है एक कन्वर्ट हो जाती है इनटू विजिबल रेंज. क्या हो जाती है? कन्वर्ट इनटू विजिबल रेंज. फॉर एग्जांपल आपके पास है गैलियम, आर्सेनाइड, ठीक है. इनमें अगर आप देखोगे जब ये इलेक्ट्रॉन डीएक्साइड हो जाता है और वापस आ जाता है वैलेंस बैंड में, एनर्जी जो रिलीज हो जाती है जो इसने पहले गेन की थी ऊपर जाने के लिए इक्वल टू केटी, जो एनर्जी रिलीज हो जाती है दिस इज कन्वर्टेड इनटू विजिबल रेंज. इधर पढ़ा करते हैं इशू, वी हैव गॉट वन मोर दैट इज द इंडियम फॉस्फाइड, ठीक है. इसमें भी अगर आप देखोगे लाइट एनर्जी क्रिएट होती है, यानी कि विजिबल रेंज ऑफ एनर्जी वी आर सीइंग, ठीक है, जिस देयरफॉर वी आर सीइंग कलर्स, देयरफॉर वी कॉल देम एज light emitting diodes, ठीक है. therefore they will be called as light emitting diodes because जो range आ रहा है वो range दरअसल visible range, ठीक है, as in case of gallium arsenide and indium phosphide. but it is not always true that जो energy release हो गई वो convert हो गई into visible range and therefore you might call them as LEDs, ठीक है. it is not necessary. however there is a case, say for example आपके पास है silicon और germanium का PN junction, ठीक है. अगर ये दो इस्तेमाल हो गए होंगे जो यहां से लाइट एनर्जी, जो यहां से एनर्जी रिलीज होने वाली होगी जब डीएक्साइटेशन होगा, आपका एनर्जी इक्वल टू ईजी या इक्विवेलेंट टू केटी रिलीज हो जाएगा, वो एनर्जी जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंफ्रारेड. देयरफॉर आप इसको एलईडी नहीं कह सकते, एलईडी आप इनको कह सकते हो. क्यों? क्योंकि इसका विजिबल रेंज, इसका जो एनर्जी है उसका रेंज जो है दैट इज द विजिबल रेंज, लेकिन यहां पे विजिबल रेंज नहीं है. देयरफॉर यू कॉल दिस एज इंफ्रारेड, ठीक है. सो ओवरऑल द कंसेप्ट इज दैट इट इज एन एंटीकोनिस्टिक टू फोटोडायोड. वहां पर रिकॉम्बिनेशन
नहीं हो रहा था, यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वहां पर ब्रेकेज हो रहा है, यहां पर ब्रेकेज नहीं हो रहा है। ये लाइट वहीं से देखा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा था, वो इस्तेमाल कर रहा था लाइट को, ये इस्तेमाल कर रहा है इलेक्ट्रिकल को, ठीक है। एंड देयरफॉर डीएक्साइटेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस, एंड डीएक्साइटेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो जाती है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ईदर द विजिबल स्पेक्ट्रम, एंड देयरफॉर यू एग्जांपल्स आर गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम फॉस्फाइड का सेमीकंडक्टर, ठीक है। और अगर ये होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम का, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंफ्रारेड, क्लियर है। Therefore, this was the concept of LED. Okay, the last kind of the diode, the special kind of a diode is the fourth one, I guess, which is the solar cell. Now, this solar cell actually was invented by Chaplin and Fuller in the year 1954. Okay? Agar hum iski construction pe chale jaye, again, PN junction hi hai, theek hai? लेकिन द डिफरेंस बिटवीन दिस सोलर सेल एंड द फोटोडायोड दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक्चुअली सोलर सेल जो है ना, सोलर सेल इट इज एक्चुअली सिमिलर टू फोटोडायोड, ठीक है। लेकिन आपको अगर याद होगा मैंने कहा फोटोडायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन, कहा था कि नहीं? रिवर्स बायस्ड कंडीशन का मतलब यू आर अप्लाइंग सम पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इन केस ऑफ सोलर सेल The biasing is not required. We totally do not require any battery. ठीक है? That is the only difference that we are having between the solar cell and the photodiode. Otherwise, they behave on the same concept that light energy or the solar energy, it is being converted into electrical energy. ठीक है कि नहीं? And what you are seeing, अगर मैं आपको दिखा दूँ, solar cell में again वही concept है कि आपके पास वही है PN junction. ठीक है? PN junction, say for example, this is the resistor. ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विल सी, दिस इज द आर एल द लोड, ठीक है। आपके पास पी साइड है, आपके पास एन साइड है, यहां से होल्स होंगे, ठीक है, यहां से होल्स होंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन के एतबार से हमने ये देखा कि जो विड्थ जंक्शन एरिया, जंक्शन जो एरिया है, जंक्शन का जो एरिया है, दैट जंक्शन एरिया इज केप्ट मैक्सिमाइज्ड, बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू फोटोडायोड, जंक्शन एरिया इज मोर, जंक्शन एरिया इज हाई मोर, ठीक है। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट दैट जो सोलर एनर्जी पड़ेगी ना, वो सोलर एनर्जी मैक्सिमम गेन हो सके इन द जंक्शन एरिया, देयरफॉर दिस जंक्शन एरिया इज केप्ट मैक्सिमम, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है हमसे हम उतना रख लेते हैं, ठीक है। अगेन लाइट जंक्शन एरिया में पड़ जाएगी उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले वाले केस में पड़ा था, लेकिन इस वक्त क्या होगा वो आपको समझना। एक और चीज जो मैं भूल गया, जंक्शन एरिया ज्यादा होने के साथ साथ जो यहां पर P और N है, P and N, they are of unequal widths, क्या चाह सर? Unequal widths, इनकी widths जो है वो सेम नहीं हम रखते, ठीक है। अनइक्वल widths इसलिए होते, ओवरऑल अगर देखा जाए अनइक्वल widths का कंसेप्ट इसलिए भी है कि हम नहीं चाहते कि आपका P और N एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो देयरफॉर हम क्या चाहते हैं कि P and N अनइक्वल विड्थ होने के साथ साथ जो इनकी एक्चुअल विड्थ भी होगी वो बहुत कम होगी, दैट इज P and N विल बी थिन, ठीक है, पतले होंगे, इनकी विड्थ ज्यादा नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वी वांट मैक्सिमम एनर्जी शुड गेट कन्वर्टेड, वी वांट मैक्सिमम सोलर एनर्जी टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी डू नॉट वांट देयर शुड बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बिटवीन द P एंड द N, वी डू नॉट वांट दैट, That is why we are minimizing the widths. Minimize widths करने की वजह से energy absorb नहीं होगी, बल्कि वो convert हो जाएगी from solar energy into electrical energy. And we want this conversion to be maximum. That is why they are thin and they are of unequal widths. ठीक है? जो इन दो में से पतला होगा, जो thin होगा, thin, उसको हम emitter कहते हैं. क्या कहते हैं? Emitter. और जो इन दो में से मोटा होगा, यानी कि thick होगा, उसको हम बेस कहते हैं। अब इसको एमिटर और बेस क्यों कहते हैं, ये आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में जब मैं ट्रांजिस्टर्स का कांसेप्ट लूंगा तब आपको समझ आ जाएगा कि एमिटर क्या होता है, बेस क्या होता है, एक और टर्मिनल भी होता है जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो उस दिन क्लियर हो जाएगा। अभी आप याद रख लीजिए कि जो पतला वाला सेमीकंडक्टर लगा होगा दैट इज द एमिटर, और जो मोटा वाला होगा दैट विल बी द बेस, क्लियर सर। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिकल या EMF, जो ऑब्वियसली सोलर सेल्स आप इस्तेमाल करते अपने कैलकुलेटर्स में, अपने वॉचेस में, आपने देखा होगा आजकल वो
लाइट्स भी ऐसी होती है जो दिन में आप धूप में रखते हैं और शाम को चल लेती है, उनमें सोलर सेल्स ही लगी होती है। अब ये सोलर सेल इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज सोर्स है कि नहीं, वी वांट टू सी कि हाउ डज इट हैव द टेंडेंसी टू प्रोवाइड दैट पोटेंशियल डिफरेंस, टू प्रोवाइड दैट एनर्जी, टू क्रिएट दैट ईएमएफ। ठीक है, हम वो देखना चाहेंगे। दरअसल जो ईएमएफ सोलर सेल में क्रिएट होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द थ्री रीजंस, थ्री प्रोसेसेस रादर। द फर्स्ट इज कॉल्ड as generation, ठीक है, generation। The second one is called as separation, ठीक है, separation हो जाता है फिर। And the third one we call that as collection। अब होता क्या है, आप बड़े ध्यान से देख लो, कोई issue नहीं। दरअसल solar cell की अगर हम बात करूं, obvious ही बात है, again solar energy, यानी कि H nu। Effective packet की again बात होगी, effective packet means H nu will be more than critical, ठीक है। क्रिटिकल क्या मतलब हो, क्रिटिकल मतलब कि ये आपका बैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड, आप चाहते हो आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के यहां से चला जाए इधर, तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इजी। ठीक है, यानी कि आपका एच न्यू शुड बी मोर देन इजी, तब जाकर जब आपका एनर्जी एच न्यू, व्हेन योर एच न्यू इज मोर देन इजी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दरअसल ये एनर्जी जब पड़ जाती है डिप्लीशन वेट पे, हम ये देखेंगे जो यहाँ न्यूट्रल एटम्स है, उन न्यूट्रल एटम्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स विल गेट क्रिएटेड। वो हो जाएंगे कि नहीं, तो हो गया जनरेशन, हो गया कि नहीं। अब जनरेशन होने के साथ साथ अब क्या होगा, आपके होल्स भी यहां पे है, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पे, आपके होल्स भी यहां पे है, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पर। लेकिन मुझे एक बात बता दो, जब पीएन जंक्शन बन जाता है, आपको पता है पी साइड पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉजिटिव लेयर आ जाती है और एन साइड पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेगेटिव लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हमने डिफ्यूजन फील्ड का नाम दिया, जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड होगी, है कि नहीं। दिस इज द एन साइड, दिस इज द पी साइड, चूंकि यहां से पॉजिटिव लेयर आ गई तो लेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन फील्ड जिसको हम कहते हैं, उसकी डायरेक्शन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डिप्लीशन लेयर, व्हाट विल दैट डू टू दीज इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स, ये इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स पे फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेगा, और जब वो फोर्स इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स पे अप्लाई हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल हैव अ टेंडेंसी टू गो टुवर्ड द एन साइड, ठीक, एंड जो होल्स है दे विल हैव द टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स द पी साइड, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स एन टाइप, ठीक है, एंड जो आपके होल्स है दे विल हैव द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स पी टाइप। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, एन साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एन साइड की तरफ। दिस एन साइड इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द फ्रंट साइड, क्या सुना, और द फ्रंट कवर, एंड द पी साइड इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द बैक कवर या बैक फ्रंट एंड फ्रंट कवर बैक कवर। ठीक है, फ्रंट कवर बैक कवर ही रख लो, फ्रंट साइड, चलो फ्रंट साइड करता हूं और बैक साइड करता हूं। फ्रंट और बैक क्यों कहते हैं इसको, दरअसल इसको हम फ्रंट साइड इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज द साइड विच एक्चुअली फेसेस द सन, ठीक है, एंड बैक साइड ऑब्वियसली इट इज अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, अब फ्रंट कवर और बैक कवर भी इसको कहते हैं। अब समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट बात, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डिफ्यूजन फील्ड की वजह से दे हैव बीन डिफ्यूज्ड टुवर्ड्स द एन साइड मतलब फ्रंट साइड, और होल्स बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन फील्ड दे हैव बीन ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पी साइड, यानी कि बैक साइड। ठीक है कि नहीं, अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन चले गए टू द एन साइड, होल चले गए टुवर्ड द पी साइड, देयरफॉर जो न्यूट्रलिटी थी वो अगेन डिस्टर्ब हो गई, एंड देयरफॉर वी आर सीइंग दैट शाबाश पी साइड पे और एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पी साइड पे कंटिन्यूअसली होल जा रहे हैं और एन साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आ गया कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां की तरफ जा रहे हैं, एन साइड पे। तो मुझे एक बात बताओ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होने का मतलब नेगेटिव नहीं है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है लेकिन ओवरऑल ही न्यूट्रल है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पे होल्स है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं था, क्यों, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल था, हमने वो पढ़ा, हमने सिर्फ कंबाइन कर दिए थे और कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब ये डिफ्यूजन फील्ड इन
जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अब ड्रिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स एन साइड, होल्स अब ड्रिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स पी साइड, एंड देयरफॉर एन साइड पे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज, पी साइड पे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव, देखो पहले था जनरेशन, अब क्या था सेपरेशन, लेकिन अब देखो आप कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन कैसे हो रहा है, एन साइड कलेक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को और पी साइड कलेक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, देयरफॉर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट गेट्स जनरेटेड बिटवीन द पी साइड एंड द एन साइड, दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज फोटो वोल्टेज, क्या बोलते हैं इसको, फोटो, ठीक है, एंड इट इज दिस फोटो वोल्टेज दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आप हेल्प कर लेते हैं, जो आप जो आपका ईएमएफ सोर्स आ जाता है जब आप इस सेल को किसी में, किसी डिवाइस में, किसी इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करेंगे, जैसे वॉचेस है, कैलकुलेटर्स है, अच्छा ठीक है, आपके टॉर्चेस है, ठीक है, एंड जो आपके रिस्ट वॉचेस भी होती है, ठीक है, ओवरऑल दिस इज द सोलर सेल। नाउ रिमेंबर, सोलर सेल इन छोटे छोटे अप्लायंसेस में भी इस्तेमाल होती है। अब फोटोडायोड कहां पे इस्तेमाल होता है, रिमेंबर फोटोडायोड इज यूज्ड इन वीडियो कैमरास बिकॉज इट डिटेक्ट्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मैंने आपको कहा था रिवर्स सैचुरेशन करंट्स आ जाती है, लेकिन उनको सैचुरेट तब होगी जब इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर वैल्यू से आगे चली जाएगी, ठीक है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट्स इन केस ऑफ फोटोडायोड्स, लेकिन सोलर सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, सोलर सेल में आपको बायसिंग देनी नहीं पड़ती, ठीक है कि नहीं, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर हम देखें तो अगर हम IV कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहें सोलर सेल का, तो सोलर सेल में रिमेंबर अगर मैं IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दूं, तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर सेल इज समवट लाइक दिस, ठीक है, हम यहां पर देखेंगे कि जो करंट्स है वो इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीजिंग वोल्टेज, एंड बट द ग्राफ इज समवट लाइक दिस, ठीक है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज ओपन सर्किटल वोल्टेज, दैट इज द वोल्टेज व्हेन वी हैव जीरो करंट्स, ठीक है, लेकिन दिस करंट, दिस वैल्यू ऑफ करंट इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटल करंट, ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, दरअसल जब कोई भी वोल्टेज नहीं होगा करंट्स मैक्सिमम होगी बट इन रिवर्स डायरेक्शन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कम 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 गसन टुवर्ड्स दी जीरो वैल्यू, ठीक है, दिस इज द रीजन। नाउ समवन विल आस्क मी कि सर ये चौथे क्वाड्रेंट में क्यों आपने बनाया, करंट्स इंक्रीज हो रही है वोल्टेज के साथ लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में क्यों, लेकिन बच्चा उसकी वजह ये है कि सोलर सेल जो है, सोलर सेल एक्चुअली सप्लाइज करंट, इट डजंट ड्रॉ द करंट, ठीक है, ये असली सप्लाई कर देती है करंट, जिसकी वजह से ये ग्राफ जो है ये चौथे क्वाड्रेंट में आ जाता है, क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द स्पेशल डायोड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर ट्रांजिस्टर्स, थैंक यू सो मच, स्टॉप हो गया।